ये पावर प्लस है, इसका हॉर्न कल अचानक से बंद हो गया बजना। तो इसमें दो ही काम होते हैं, एक तो इसमें रिले लगी है तो रिले अपन चेक करेंगे, दूसरा वायरिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आसानी से खोल सकते हैं, आपको सिर्फ इसको हल्का सा अपनी तरफ खींचना है, बहुत तेज नहीं क्योंकि इसका प्लास्टिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो कट जाता है अगर आप बहुत तेज से, देखिए ना ये वाला। तो ये आपका निकल गया है और आपकी ये दो क्लिप होती है। एक्चुअल में यहाँ से अर्थिंग जब जाता है तो दोनों सर्किट क्लोज हो जाते हैं, तब आपका हॉर्न बजता है क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है। तो पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे आता रहता है, यहाँ पे, तो वही हमें चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले मैं बैटरी वोल्टेज 20% करूँगा, ये 20% होगी, ये मैंने इसमें डाला और मैं अर्थिंग चेक करता हूँ। कुछ भी नहीं बता रहे, आ रहा है करंट ही नहीं आ रहा स्विच से, मतलब इसका शायद फ्यूज डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब नहीं डायरेक्ट वेड नहीं आ रहा है करंट, मतलब या तो इसके फ्यूज में प्रॉब्लम है या फिर करंट रिवर्स आ ही नहीं रहा है। इसमें हमने इसका फ्यूज चेक कर लिया था, पर फिर भी आपको मैं दिखा दूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फ्यूज देखना है इसका, तो आप इसको खोल लो और ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्यूज है आपका 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर का यही आपका हॉर्न का फ्यूज है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, देखते हैं कि फ्यूज है कि नहीं। आप देखो ये फ्यूज बिल्कुल राइट है, ये देखो। अभी मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करा के आपको दिखा दूँ, देखिए जब डायरेक्ट करंट जाता है तो ऐसा ही साउंड आता है, तो मतलब ये फ्यूज तो सही है। चलिए तो सबसे पहले वहाँ देखते हैं कि इसका करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए पहले इसको ग्रिल को खोलते हैं। तो ग्रिल का बस दो ही है, 10 नंबर की ये दो नट और 10 नंबर की ऊपर नट लगते हैं यहाँ पे ऊपर साइड पे, तो उसको खोलो। ये हमारा खोल चुका है, हमारा स्विच का कनेक्शन ये देखिए दो आए हैं, ये देखो आप, एक प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो हम इसमें भी चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रॉब इसमें लगाया, कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। तो ये कंटिन्यूटी पे रखा मैंने और बॉडी से ग्राउंड दूंगा मैं कहीं पे भी। तो ये अपना नीचे वाला जैसे मैंने बताया ब्लैक वाला निगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो ये रिले जैसा मैंने बोला था ये ख़राब है क्योंकि इस पर जब मैं डायरेक्ट पॉजिटिव से भी करंट दे रहा हूँ उससे पॉजिटिव से तो भी ये नहीं काम कर रहा। वैसे इसमें करंट आ रहा है, आपको मैं दिखा दूँ जी, हार मिल गई। ये आप इसकी रीडिंग देखना, अभी 0-0 है, जैसे ही वो हॉर्न टच करेंगे ऐसे ही 12.80, मतलब ये रिले ख़राब है, करंट तो सही आ रहा है। तो आप पहले फ्यूज चेक करें उसके बाद रिले को चेक करें। मैंने डायरेक्ट दे के देखा है, कुछ रिस्पांस नहीं। अब ये मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, अगर भाई साहब कहेंगे तो रिले भी लगा दूंगा, नहीं कहेंगे तो ऐसे लगा दूंगा। अब ये डायरेक्ट बजेगा, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बज हार्न लगा हुआ है ना, मैं लगाऊंगा तो टच करूंगा तो बजेगा, क्लिकिंग ऑलरेडी इसको है, देख रहे हो आप। आप ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी रिले ख़राब हो जाती है, कभी फ्यूज उड़ जाता है, तो आपको पता ही चल जाएगा। ये देखिए रिले हमने नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा वॉट्स के नहीं थे। भी इसमें एक प्रॉब्लम है, कभी एक बजता है कभी दोनों बजते, बजाई इसमें कार्बन लगा हुआ है सब। अच्छा ये ढीला है, अच्छा एक सेकंड, तो इसको भी मैं टाइट कर दूँगा। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है अच्छे से, अब बजाई। चलिए मैं भी बजा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए अपना सेट हो चुका है। अब इसका कवर लगाना है हमें, तो बस ये अब हल्के से लगाना है आपको, एक जगह पे बिठाना है, यहाँ साइड से देखना है कि बैठा है कि नहीं बैठा है, फिर उसको ऐसे चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से बिठा दीजिए। तो देखिए अभी सही हो गया, सही हो गया। चलिए अब वो जाली लगाने की बारी है, तो मैं अब वो जाली लगा दूंगा, अब आप लास्ट देखो। देखिए सेट हो चुका है, इसकी मैं ग्रिल की निकालने की बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ तो उसकी दिक्कत नहीं, प्रॉपर बजने लगा। चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।